तो भाई नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ये वाला कवर अपनी कुछ वीडियोस में दिखा रहा था और काफी सारे लोगों की यहाँ पे रिक्वेस्ट आई कि यार ये वाला कवर कहाँ मिलेगा, किस तरीके का कवर रहता है, इसके बारे में बताओ। तो फाइनली आज की वीडियो आपके लिए यहाँ पे ले गया हूँ Redmi Note 8 Pro के लिए यहाँ पे ये कैमरा शटर वाला केस। काफी ज्यादा डिमांड में इस टाइम पे यहाँ पे ये चल रहा है, लेकिन मिलता बहुत ही मुश्किल से है। तो आज की वीडियो देखते रहो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप बाय कर सकते हो, साथ ही किस तरीके का ये कवर देखने को मिलता है, सब चीज बताऊंगा। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन जरूर से दबा दीजिए, नीचे दिया है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। अब यहाँ पे यार इसको आप कुछ भी कह लो, कैमरा शटर, कैमरा हाइट बटन, ये वाला आपको देखने के लिए मिलता है। और ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बैक है ये इस तरीके से आपके जो कैमरा है उसको शट कर देता है और ये इस तरीके से आपका कैमरा बैक वाला बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे कवर की बात करें तो ये आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है। बैक में आपको ये फ्रॉस्टेड कवर देखने को मिलेगा, आपको इस तरीके का ये फ्रॉस्ट लुक थोड़ा सा देता है। और ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का यहाँ पे ये रबर मटेरियल, ये आपको अलग अलग कलर के चॉइस में भी यहाँ पे आ जाता है। अब देखो पहले ही बता दूं, आपको बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे मुझे ये अवेलेबल मिला है। वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए सब चीज आपको यहां पे बता रहा हूं मैं, लिंक तो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले बात करें तो इस तरीके का आपको डिजाइन मिलता है। अब इसका ओरिजिनल जहां पे ये आपको मिलेगा वो 2-3 हज़ार का अली एक्सप्रेस वगैरह पे देखने को मिलता था और वो इंडिया में कभी आया नहीं, लेकिन आया भी तो कुछ डिवाइसेस के लिए बहुत महंगा यहां पे आया। उसका ये आपको थोड़ा सस्ता वाला वर्जन मिलता है और सस्ता आप यहां पे देख सकते हो, थोड़ा सा लुक में झलकेगा जैसे कि आपको यहां अगर विजिबल हो तो ये लाइन थोड़ी सी मुझे लगती है यार कम रहती तो ज्यादा बेटर रहता। हो सकता है मेरे यूनिट के साथ ही ऐसी कोई दिक्कत हो, बाकी आपको सभी का कटआउट काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है तो कोई आपको कटआउट वगैरह में इशू नहीं आएगा कि कटआउट सही यहां पे नहीं है। कटआउट वगैरह काफ़ी सही से आपको सब चीज़ के यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ब्रेक आपको ये फ्रॉस्टेड टाइप की देखने के लिए मिलती है, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे है ये बैक में और ये देख सकते हो फोन को आपको काफी अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, ये चीज यहाँ पे गारंटीड रहती है। बाकी आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। और फ्रंट में मैं यहाँ पे देखो मैट वाला टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन H2S वाला, और उसके ऊपर भी ये इजिली यहाँ पे लग जाती है और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आप टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर अगर फुल स्क्रीन लगाते हो। बाकी बैक से आपको इस तरीके का लुक मिलेगा, आप अलग अलग कलर में भी इसको ट्राई आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे यार थोड़ा सा मैं कहूँगा मुझे ये कटकता है कि यहाँ पे ये चीज़ जो अलग से दिखती है, बाकी ऊपर तो कैमरा हाइड हो जाता है, लेकिन ये बाद में मुझे पता चला है यार यार इसमें तो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर को ही हाइड कर देगा तो क्या आप बार बार इसको ऊपर नीचे करोगे फिंगरप्रिंट सेंसर को ओपन करने के लिए, तो वो चीज़ थोड़ी एक अनइवन सही नहीं रहती, अनकन्वीनियंट हो जाती है। तो इसलिए आपको ये तीनों जो कैमरा है उसको शट कर देता है, बाकी आपको एक नीचे ये इस तरीके का देखने को मिलता है जिससे आप इजिली यहाँ पे अपने फ़ोन को जो है अनलॉक आप यहाँ पे कर सकते हो बिल्कुल प्रेस करके विदाउट एनी इशू, ये चीज यहां पे मिलती है। बाकी आपको कैमरा अनहाइड करना है तो आप इसको नीचे ड्रॉप कर सकते हो और इस तरीके का आपको लुक और भी यहां पे मिल जाएगा। तो फुल टू कैमरा प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है आपको कवर। तो आपको अगर कैमरा में कोई भी इशू आता था, बहुत जल्दी टूट जाता था आजकल कैमरा का जो ग्लास है, तो उससे आपको ये प्रोटेक्शन फुल टू देगा। आप इस तरीके से उसको बंद कर दो, ऊपर से गिराओ, कुछ भी करो, आपके कैमरा में कोई भी एक स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। कहीं भी आप रख दो तो उसमें भी स्क्रैच वगैरह कहीं भी नहीं आता है, तो ये एक काफ़ी सही चीज़ मिलती है। और ये भी काफ़ी सारे अलग अलग डिवाइसेस के लिए यहाँ पे आया है। सबसे पहले मुझे Redmi Note 9 Pro के लिए आया था जो कि मैंने Amazon से ऑर्डर करा था, तो उसी तरीके से ये भी आपको Redmi Note 8 Pro के लिए देखने को मिलता है। सिमिलरली Realme 7 के लिए भी मिल जाता है, तो काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप कैमरा हाइड करना चाहते हो तो आप ज़रूर से उसको ट्राई आउट कर सकते हो, बाय लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे इसलिए यहाँ पे यार आपके लिए ये वाली वीडियो लेके आया हूँ। फिलहाल तो वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, इस कवर लगाने से आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा कि कैमरा वगैरह में या फ्लैश में कोई इशू आ रहा हो, अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये काफी सही चीज आपको देखने के लिए मिलती है। बाय।